guys, what's up? Welcome back. Here is Jatin in front of you on this beautiful amazing channel Jatin's Lecture. And one important thing guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके एंड यू आर गेटिंग मोर एंड मोर बेनिफिटेड विद माय वीडियोस. So guys, here we are going to discuss about question number 9 of exercise 12.2. So चलिए मेरे साथ जल्दी से सॉल्व करते हैं. A brooch is made with a 5 silver wire in the form of circle with diameter 35 millimeter. कह रहा है कि एक ब्रूच है सर्कुलर फॉर्म में है, 5 वायर्स यूज की एज अ डायमीटर और कितना है डायमीटर 35 mm है. The wire is also used making 5 diameters. 5 diameters बनाने में भी काम आती है with 10 equal sectors. 10 equal sectors में ये diameter completely divide करते हैं. Now we have to find the total length of the silver wire required. Wire की length निकाल ली हमें. So wire कहाँ कहाँ use हुई है? एक तो इसके circumference पे use हुई है and ये 5 diameter. पर ये तो वायर यूज हुई है एक्सेप्ट इट देयर इज नॉट एनी एरिया वेयर द वायर गेट यूज्ड. सो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या डायमीटर गिवन है अपने पास. डायमीटर इज इक्वल्स टू 35 mm. तो डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा 35 by 2 mm. क्लियर है गाइस यहां तक? क्लियर है. नाउ टोटल लेंथ हाउ फाइंड आउट करते हैं. सो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू कहां कहां होगी? एक तो सर्कमफेरेंस पे 2πr प्लस कितने डायमीटर है 5. सो प्लस 5 डायमीटर की लेंथ है into 35. Values put कर दीजिए and solve कर दीजिए. 2π की value 22/7 into r कितना है 35/2 plus 5 into 35. अब cut कर दीजिए 7 5 जा 2 से 2 cancel हो गया बचा 22 into 5 plus 5 into 35 2 10 2 10 1 1 0 plus 5 5 25 2 1 7 5. दोनों को ऐड कर दीजिए 285 mm. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर दैट इज यूज टू मेक दिस सर्कुलर ब्रूच. कितने गाइस 285 mm. क्या किया हमने? सबसे पहले सर्कमफेरेंस प्लस में 5 डायमीटर्स केम्स आउट ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द वायर. हो गया गाइस. सो यू कैन हैव अ स्नैपशॉट और यू कैन राइट डाउन. फिर आगे मूव करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉरी नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं अपने. सेकंड पार्ट में गाइस हमें एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच. 10 के 10 सेक्टर्स इक्वल हैं इक्वल. सो हमें एक का एरिया फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करें? उसके लिए हमें किसकी नीड होती है? थीटा की. थीटा तो गिवन है नहीं. सो पहले थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो देखिए थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा? थीटा कंप्लीट कितना है 360 डिवाइडेड बाय कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो डिवाइडेड बाय 10 कैंसिल कर दीजिए कितना आया 36 degree. सो द थीटा ऑफ वन सेक्टर केम्स आउट टू बी 36 degree. थीटा है गाइस ये. अब सो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला है सबको पता है. अप्लाई कर दीजिए थीटा की वैल्यू 36 डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू 35/2 इनटू
35 by 2 because r का स्क्वायर है गाइस, अब कट कर दीजिए, कितना बचा 10, 7 5 जा 35 हो गया, 5 से 2 पे, 2 से करोगे तो 11, ऊपर बचा 11 इंटू 35 बाई 2 इंटू 2, सो देखिए 11 और 35 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 385/4 mm का स्क्वायर। सो ये अपने पास एरिया आ गया इस वन सेक्टर ऑफ अ ब्रांच, और हर एक सेक्टर इतने ही एरिया का होगा बिकॉज ऑल द सेक्टर्स इन दिस ब्रांच आर इक्वल। सो इजी है ना गाइस, बिल्कुल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और अगर क्वेश्चन इजी लगा तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, स्टे हेल्दी स्टे सेफ, गुड नाइट।